हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितनी भी आइस कोर्सेस हैं उनकी सेकंड राउंड के ऑफिशियल जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो गई है। उसी सीट मैट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड राउंड में कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट हैं और कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, कौन से कोर्स में कितनी सीट है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी चॉइस फिलिंग करो तो उससे पहले एक बार आप सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देखें तो आपको पता लग जाए कि कौन सी कॉलेज को आपको टॉप पे रखना हो, कौन सी कॉलेज को आपको बॉटम पे रखना है। तो दोस्तों, यदि आप भी आईएएस नीट यूजी काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हो और मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो दोस्तों, तो जैसे ही आप आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट AACC पर आओगे तो उसको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से सीट मैट्रिक्स जो है उस पर क्लिक करना। तो यहाँ से जैसे आप सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देख सकते हो सीट मैट्रिक्स राउंड टू कौन से कोटा है, कौन सा कोर्स है, उसमें कितनी सीट जो वैकेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड करना। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और कौन से कोटे से आपको एडमिशन चाहिए उसकी यहाँ से सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो। जैसे यहाँ से अपन देखते हैं आयुर्वेदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स, तो इस पर यहाँ से क्लिक करना और यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। जैसे कि यह RTR जामनगर गुजरात है, ये इसका कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और OBC कैटेगरी में यहाँ पर 2 सीट है। उसी प्रकार इसी कॉलेज में OBC PH में 1 सीट वैकेंट है, EWS में 1 सीट वैकेंट है, जनरल कैटेगरी में 3 सीट वैकेंट है और SC कैटेगरी में यहाँ पर वन सीट जो है वो वैकेंट है। ST कैटेगरी में 1 सीट वैकेंट है। उसी प्रकार से जो शिलोंग है उसमें OBC कैटेगरी में 7 वैकेंट है, EWS में 3 सीट वैकेंट है, जनरल कैटेगरी में 8 सीट वैकेंट है, जनरल PH में 1 सीट वैकेंट है, SC कैटेगरी में 5 सीट वैकेंट है, ST में 1 सीट वैकेंट है, NIA जयपुर में देख सकते हो OBC जो कैटेगरी उसमें 10 सीट वैकेंट है और OBC PH में 1 सीट वैकेंट है, EWS में 1 सीट वैकेंट है, उसके बाद में EWPH में 1 सीट वैकेंट है, जनरल कैटेगरी में 13 सीट वैकेंट है। तो यहाँ से देख सकते हो आप कौन सी कॉलेज में और कौन सी कैटेगरी में कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट है। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हो उस कोर्स की यहाँ से सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करके आप एक बार ज़रूर देख लेना चॉइस फिलिंग करने से पहले। तो ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना। और यदि से रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, और थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।